हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग मुगल वंश में शाहजहां की हिस्ट्री को कवर करेंगे। उनके हिस्ट्री में सबसे पहले शाहजहां का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद शाहजहां का विवाह, मुमताज महल, शाहजहां का राजाभिषेक, शाहजहां के अभियान, उनके समय में हुए विद्रोह, उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य, फिर बाद में उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उनके बच्चों में, और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, शाहजहां की हिस्ट्री को ब्रीफ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में शाहजहां का परिचय देखेंगे। तो शाहजहां, जिनका बचपन का नाम था खुर्रम, उनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। ये जहांगीर के बेटे थे और ये अकबर के पोते थे। अकबर और जहांगीर की हिस्ट्री को हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। इनकी माँ एक राजकुमारी थी जिनका नाम जगत गोसाई था, या जोधबाई के नाम से भी इतिहास में फेमस हैं। वह जोधपुर के राजा शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। जो जोधबाई हैं या जगत गोसाई हैं, इनके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि उदय सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे, उनकी बेटी थी। 15 साल की उम्र में शाहजहां ने अपनी पहली पत्नी से शादी कर ली थी, और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह 1628 में, इनके पिता थे जहांगीर, शाहजहां का और मुगल साम्राज्य का शासक बन गए। उसने शाहजहां की उपाधि धारण की, जिसका अनुवाद होता है दुनिया का राजा। ठीक है, तो शाहजहां का मतलब होता है शाहजहां, दुनिया का राजा। ठीक है, और इनका जो ये राजगद्दी पे जब बैठे थे तो वो टाइम था 1628। अब हम लोग शाहजहां के विवाह को देख लेते हैं। तो वर्ष 1612 ईस्वी में शाहजहां का पहला विवाह हुआ था, और नूरजहां के भाई असफ खां की जो पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो कि बाद में मुमताज महल के नाम से फेमस हुई। ठीक है, तो जो नूरजहां थी और ये अर्जुमंद बानो जो कि मुमताज महल, ये मतलब नूरजहां मुमताज महल की बुआ थी और ये इनकी भतीजी थी। ठीक है, तो उनका दूसरा विवाह सफई वंश की राजकुमारी मिर्जा हुसैन सफवी की पुत्री से हुआ था। मतलब इनकी पहली शादी तो मुमताज महल, फिर सफवी वंश की पुत्री से हुआ, फिर तीसरा विवाह शहनवाज खान की पुत्री के साथ हुआ। इनमें से सबसे प्रमुख विवाह जो हुआ था वो मुमताज महल के साथ हुआ था, और इनके स्मरण में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। यह विवाह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और उनके शासन काल प्रभावित करने में भी इस विवाह का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अब हम लोग इनके विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी प्रिय जो बेगम थी शाहजहां की, वो मुमताज महल थी। तो हम लोग थोड़ा सा मुमताज महल के बारे में भी जान लेते हैं। तो मुमताज महल का जो परिचय है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो शाहजहां और मुमताज महल के बीच की प्रेम कहानी इतिहास में अपने अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। इनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1592 को आगरा में। ठीक है, इनके जो पिता थे अबुल हसन असफ खान, एक फारसी सज्जन थे जो कि नूरजहां के भाई थे। ठीक है, 19 वर्ष की उम्र में अर्जुमंद बानो जो थी उनका विवाह शाहजहां से हुई थी, और डेट था 10 मई 1612 को। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में जहांगीर के इतिहास को देख रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था जहांगीर का विवाह 1611 में नूरजहां से हुआ था, और 1612 में मुमताज महल से शाहजहां का विवाह होता है। ठीक है, तो मुमताज महल का जो निधन हुआ था वो 1631 में बुरहानपुर डेक्कन, वर्तमान जो मध्य प्रदेश में आता है, उसमें हुआ था। और इनके जो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी उसी ड्यूरेशन में हुआ था। तो मतलब शाहजहां और मुमताज महल से 14 बच्चे हुए थे, जिसमें 7 बच्चे ही बचे थे। ठीक है, जिनको हम लोग बाद में आगे देखेंगे। और शाहजहां ने जब ये मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है, तो शाहजहां ने उनकी याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जो कि इतिहास में ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लोग शाहजहां के मेवाड़ का जो अभियान है उसको देख लेते हैं। शाहजहां के लिए मेवाड़ का जो अभियान था वो इतिहास में बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जहांगीर
के कई सारे बच्चे थे। जहांगीर अपने सबसे पहले पुत्र परवेज को महावत खां के साथ मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है। ये मेवाड़ का जो अभियान हुआ था वो 1605 से लेके 1608 3 ईयर्स के ड्यूरेशन के बीच में हुआ था। मेवाड़ का जो अभियान, ये प्रयास पहला जो प्रयास था जिसमें परवेज को जहांगीर भेजता है मेवाड़ अभियान के लिए, असफल रहता है। फिर जहांगीर जो होता है शाहजहां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है, और जब शाहजहां वहाँ मेवाड़ अभियान के लिए पहुँचता है तो भारी तबाही मचाता है। आम जनता को बहुत बुरी तरह से वो तहस नहस करके रख देता है। तो मेवाड़ के जो राजा होते हैं वो देखते हैं कि आम जनता को बहुत दुख और तकलीफ और बहुत अशांति और बहुत सारा हानि से फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे में फाइनली वो संधि के लिए मजबूर हो जाते हैं, और मेवाड़ का किला, बहुत सारा हिस्सा जो होता है मेवाड़ का, वो मुगलों के कब्जे में आ जाता है। तो इस तरह जो अकबर ने बहुत प्रयास किया था मेवाड़ को अपने कब्जे में करने के लिए, बट वो प्रयास असफल रहा था। लेकिन बाद में जब जहांगीर शाहजहां को भेजता है तो यह मेवाड़ का अभियान शाहजहां उसको सफल बना देता है। इसलिए इतिहास में शाहजहां का मेवाड़ का जो अभियान है वो बहुत शाहजहां की लाइफ में, उसको आगे के जो कार्यकाल रहता है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शाहजहां का राज्याभिषेक अब हम लोग देखेंगे। तो 14 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्याभिषेक होता है आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईसानी की उपाधि के साथ होता है, ठीक है। विश्वास पात्र आसफ खान जो कि उसके ससुर होते हैं को राज्य का वजीर का पद प्रदान किया जाता है, और नूरजहां को बाद में 2 लाख प्रति वर्ष के पेंशन देके लाहौर भेज दिया जाता है, जहां पे 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली हम लोग पिछले जहांगीर के आप वीडियोस देखेंगे तो ये था कि 1611 में जब जहांगीर शादी करता है नूरजहां से, तो धीरे धीरे जो नूरजहां पे डिपेंडेंट होता जाता है, और बाद में नूरजहां ही उनके शासन काल को, उनके शासन व्यवस्था को, उनके राज्य को पूरे अच्छे से संभालती हैं, आगे ले जाती हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे नूरजहां का दखल राज्य में और शासन इतनी बुरी तरह से हो जाता है कि उससे दूसरे लोगों को समस्या होने लगती है। इसीलिए जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहां 1628 में गद्दी पे बैठता है, और बाद में नूरजहां को पेंशन दे के वो लाहौर भेज देता है। तो इस तरह नूरजहां का जो अंत होता है, वो जो अंतिम समय होता है, जो जीवन का अंतिम समय होते हैं, वो काफी कष्ट में बीतता है। अब हम लोग देखेंगे शाहजहां के द्वारा किए गए अभियान। तो दक्षिण भारत का अभियान सबसे पहला अभियान था। शाहजहां ने अपने साम्राज्य का क्षेत्र दक्षिण में विस्तारित किया। उन्होंने दक्षिण भारत के कई भागों को अपने अधीन किया, जैसा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर बाद में उसने बंगाल की तरफ रुख किया। तो शाहजहां ने बंगाल क्षेत्र को भी अपने शासनाधिकार के अंतर्गत लिया। इससे पूर्वी भारतीय साम्राज्य के साथ उनके संबंधों में मजबूती आई और उनके साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। फिर बाद में इनका जो अभियान रहा है गुजरात की तरफ भी रहा है। तो गुजरात को देख लेते हैं हम लोग। शाहजहां ने गुजरात क्षेत्र को भी अपने शासनाधिकार के अंतर्गत किया। गुजरात एक उपनगरी साम्राज्य था जिसमें व्यापारिक महत्व था, और जिसने उत्तरी भारतीय साम्राज्यों के साथ जो व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया। अब इसके बाद उन्होंने शाहजहां ने बीजापुर और काबुल की तरफ भी अपना रुख किया। तो बीजापुर को देख लेते हैं हम लोग। उन्होंने बीजापुर क्षेत्र को भी अपने शासन के अधीन किया। बीजापुर एक मुख्य साम्राज्य था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, जिसका साम्राज्य उत्तर भारतीय साम्राज्यों के साथ बहुत महत्वपूर्ण था। बाद में काबुल की तरफ जब रुख करता तो शाहजहां ने अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी विस्तारित किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि उस टाइम जब शाहजहां अपने गद्दी पे बैठता है तो भारत में शासन करने के साथ साथ अफगानिस्तान और काबुल तक भी अपने राज्य को विस्तारित करता है। उसने काबुल को भी अपने शासन के अधीन लिया। इन स्थानों के अलावा भी उन्होंने कई क्षेत्रों को अपने शासन के अंतर्गत लिया, जिससे उसके साम्राज्य बहुत व्यापक हो गया था। शाहजहां अब जब कोई राजा
जब शासन कर राजगद्दी पर बैठता है तो उसके साम्राज्य विस्तार भी करता है, लेकिन साथ साथ उसके साम्राज्य में बहुत सारे विद्रोह भी होते हैं। तो शाहजहां के टाइम में जो विद्रोह हुए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था, जो कि 1628 में जब वो गद्दी पर बैठता है और 1636 तक चलता है। तो लगभग ये 8 साल तक ये विद्रोह का कार्यक्रम चलता है। तो वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था। एकत्रित धन की जांच न करवाने के कारण शाहजहां ने उसके ऊपर 1628 में आक्रमण कर दिया। और 1629 में जुझार सिंह क्या करता है कि शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण करके माफी मांग लेता है, लेकिन फिर बाद में वो रुकता नहीं है। फिर औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर देता है और इस तरह यह विद्रोह 1635 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। अब हम लोग शाहजहां के जो विद्रोह देख रहे थे उसमें दूसरा विद्रोह होता है खाने जहां लोदी का विद्रोह, जो कि 1628 में ये भी स्टार्ट होता है और 1631 तक रहता है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछला विद्रोह देखा वो 1628 से स्टार्ट होता है, 1636 तक चलता है, समाप्त होता है, और ये 1628 में स्टार्ट हुआ, 1631 में फिनिश हो जाता है। ये खाने जहां लोदी का विद्रोह होता है। इसे शाहजहां के समय में मालवा की सूबेदारी मिली थी। 1629 में मुगल दरबार में जब उसे सम्मान की कमी महसूस होती है तो खाने जहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंच जाता है और निजाम शाह ने उसे वीर की जागीरदारी इस शर्त पे बोल के दी कि वो मुगलों के कब्जे से अहमदनगर को निकाल के उसको वापस कर दे। तो 1629 में शाहजहां के दक्षिण पहुंच जाए, शाहजहां को इसकी खबर पहुंच जाती है और जब शाहजहां दक्षिण पहुंच जाता है तो खाने जहां को दक्षिण में कोई सहायता नहीं मिल पाती है। कोई भी शासक, सब लोग शाहजहां के खौफ में थे इसलिए कोई उसकी सहायता नहीं करता। अंत में बांदा जिले के सिंघोदा नामक स्थान पे माधो सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह 1631 में खाने जहां का जो ये विद्रोह हो था वो खत्म हो जाता है। अब शाहजहां के जो राज्य रहा है वो निर्माण कार्य के लिए स्वर्ण युग बोला जाता है। तो शाहजहां द्वारा किए गए निर्माण कार्य को भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। शाहजहां जो था वो मुगल वंश का पांचवा शहंशाह था। देखिए, पहला जो शासक था वो बाबर था, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। तो इस तरह शाहजहां क्या था, पांचवा शहंशाह था। उसके शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहने का रिवाज रहा है। उन्होंने अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। उसका नाम था ताजमहल। ताजमहल दुनिया के सात आश्चर्य अजूबों में से एक है और उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था क्योंकि मुमताज महल का मकबरा है। तो हम लोग मुमताज महल के मकबरा, जिसको ताजमहल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग ताजमहल के बारे में भी देख लेते हैं। तो संरचना कैसी है ताजमहल की? ताजमहल का निर्माण लाल पत्थर, सफेद मकराना मार्बल और पेत्रा से किया गया है। इसकी संरचना, शानदार संरचना और वास्तुकला की सराहना की जाती है। मानवीयता, ताजमहल मानवता के सबसे अद्वितीय कामों में से एक है। इसके समर्थक और मजबूत संरचना ने इसे समय के साथ विनाश नहीं होने दिया है। हम देखते हैं कि ये संरचना काफी पुरानी है और प्राकृतिक जो आपदाएं आई हैं उनसे भी उसको सुरक्षित रखा हुआ है। गुलाबी संगमरमर, ताजमहल के तीन बाले गुलाबी संगमरमर से बने हुए हैं जो कि इसको अत्यंत खूबसूरत बनाते हैं। तो ये था ताजमहल के बारे में कुछ जानकारियां। अब हम लोग इन शाहजहां के निर्माण कार्य को देख लेते हैं। तो शाहजहां का जो निर्माण कार्य है, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, इसमें जो दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल शामिल है। एक्चुअली जो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने अपने रहने के लिए करवाया था।
और ये लाल किला का जो निर्माण कार्य था वो स्टार्ट हुआ था अकबर के राजकाज में ही, लेकिन जब शाहजहां गद्दी पे बैठा तो इसने इसका संरचना जो आसेप था कम्प्लीटली उसने अपने शासनकाल में चेंज कर दिया था। और इसमें दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खास माना जाता है। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद एक भव्य मस्जिद है जो कि ये भी अंदर ही बना हुआ है और संगमरमर से बना हुआ, जिसको हम पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो मोती की तरह, जो मोती मस्जिद इसलिए बोला जाता है कि मोतियों की तरह से जो मार्बल थे वो यूज किए हैं, सफेद मार्बल इसमें यूज हुए हैं। आगरा का किला जो है ये भी आगरा में स्थित है और अनेक भव्य और सुंदर भवन है। तो ताजमहल के पास ही आगरा का किला, जब आप लोग आगरा घूमने जाएंगे तो ताजमहल के बगल में ही ये आगरा का किला स्थित है और इसमें मुमताज महल रहा करती थी। अब शाहजहां के राजकाज में शाहजहां जब बीमार पड़ जाते हैं तो धीरे अपने पहले पुत्र दारा को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, लेकिन इन्हीं से इनकी घोषणा के शाहजहां के टाइम में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जो कि इतिहास में बहुत फेमस है। और ये उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ वो शाहजहां के पुत्रों के बीच में हुआ था। एक्चुअली शाहजहां बाद में बीमार पड़ने लगे थे, उन्हें कई सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे थे, तो ऐसे में वो अपने सबसे बड़े पुत्र दारा को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। और ये बात औरंगजेब को पसंद नहीं आती है, तो इस बीच में तो इस चीज को लेके उनके पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेके युद्ध शुरू हो जाता है, तो जो कि इतिहास में बहुत फेमस है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। उत्तराधिकारी की घोषणा से ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम युद्ध इसमें कई, अब उत्तराधिकार को लेके कई सारे युद्ध लड़े जाते हैं शाहजहां के पुत्रों के बीच में, और शाहजहां उस टाइम में जीवित थे, तो इस युद्ध को हम लोग देख लेते। तो प्रथम युद्ध शाह सुजा और दारा के लड़के सुलेमान सिको के बीच हुआ तथा आमेर के राजा जयसिंह के मध्य कब हुआ, 24 फरवरी 1658 को बहादुरपुर में हुआ था। ठीक है, तो 1658 को बहादुरपुर में हुआ, किसके बीच हुआ? प्रथम युद्ध शाह सुजा और दारा के पुत्र सुलेमान सिको और आमेर के राजा जयसिंह के बीच हुआ था। इस संघर्ष में शाह सुजा पराजित होता है। फिर दूसरा युद्ध लड़ा जाता है औरंगजेब एवं मुराद बख्श तथा दारा की सेना, दारा की जो कि इनके पहला पुत्र था जिसको शाहजहां ने उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था। ठीक है, तो जिसका नेतृत्व महाराज जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे, और ये 25 अप्रैल 1658 को, तो पहला युद्ध भी जो होता है वो फरवरी में होता है और दूसरा युद्ध होता है अप्रैल में होता है, उसी साल को होता है, और धर्मठ नामक स्थान पर होता है जिसमें दारा की पराजय होती है। औरंगजेब इस विजय की स्मृति औरंगजेब इस विजय से बहुत खुश होता है और बाद में फतेहाबाद नामा नगर की वो स्थापना करता है दूसरे युद्ध के बाद। फिर तीसरा युद्ध होता है दारा और, देखिए दूसरा युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच होता है, ठीक है, फिर तीसरा युद्ध भी दारा और औरंगजेब के बीच होता है, 8 जून को होता है, उसी साल फरवरी में, मई में, फरवरी में, अप्रैल में, फिर जून में, सामूगढ़ में होता है, इसमें दारा को फिर से पराजय का सामना करना पड़ता है। फिर बाद में क्या होता है, एक साल के बाद 5 जनवरी को उत्तराधिकार के एक और युद्ध लड़ा जाता है जो कि खजुआ नामक स्थान पे लड़ा जाता है, जिसमें जसवंत सिंह की भूमिका औरंगजेब के विरुद्ध थी, किंतु औरंगजेब इस युद्ध में क्या होता है, सफल होता है और दारा की इसी युद्ध में हत्या कर दी जाती है। तो फाइनली 1658 में औरंगजेब गद्दी पे बैठ जाता है, लेकिन फाइनली 1659 में उसका रास्ता कंप्लीटली क्लियर हो जाता है खजुआ के युद्ध के बाद, क्योंकि दारा की हत्या कर दी जाती है। औरंगजेब अपने भाई, बड़े भाई का खुद हत्या करता है और उसकी जो सिर काट के अपने पिता शाहजहां को प्रस्तुत करता है। तो हम देख रहे हैं कि उत्तराधिकार का जो युद्ध है इतिहास में
गद्दी को लेके जो युद्ध है वो कितना भयानक रहा है कि भाई भाई का नहीं होता है। और 1658 में जब वो गद्दी पे बैठता है औरंगजेब, तो शाहजहां को जेल में डाल देता है और 1659 में अपने भाई की हत्या करवा के उनकी जो धड़ सिर होता है वो शाहजहां को प्रस्तुत करता है। तो बहुत भयंकर ये उत्तराधिकार का युद्ध है जो कि इतिहास में बहुत फेमस है, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। अब शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई ये हम लोग देख लेते हैं। तो शाहजहां को जब 1658 में औरंगजेब ताजमहल के सामने एक जेल बनवाता है, उसी में उनको कैद कर देता। तो 8 साल तक शाहजहां आगरे के किले में कैद में रहता है। अंतिम समय जो शाहजहां का जो जीवन बहुत विलासतापूर्ण जीवन बीता है, क्योंकि उस समय जो मुगल वंश था उसके पास बहुत सारा पैसा था, इनका बहुत खजाना, बहुत संपन्न था। तो उसमें भोग विलासिता के लिए मुगल वंश और शाहजहां का राजकाज, जो साम्राज्य रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। लेकिन अंतिम समय इनका बहुत दुख और क्लेश में बीता। उनकी जो प्रिय पुत्री थी जहांआरा ने ही अंतिम समय में उनकी सेवा की और सन 1666 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब जो होता है इतना कट्टर होता है कि उनकी मृत्यु के बाद अपने पिता को दफनाता नहीं है, और जो दफनाने का जो कार्यक्रम होता है वो भी शाहजहां के नौकरों द्वारा की जाती है। तो और बाद में इनको ताजमहल में, मुमताज महल के बगल में ही दफनाया जाता। तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध कितना भयंकर होता है, जिसमें बाप बेटे का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता है, और अंत में इसी में उनको जेल में डाल दिया जाता है, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और फिर उनकी जो मृत्यु का जो ये दफनाने का प्रोसीजर भी औरंगजेब और उनके बच्चे नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग इतिहास में देख रहे हैं। शाहजहां के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो शाहजहां ने सिजदा या पाबोस प्रथा को समाप्त किया। इलाही संबद्ध के स्थान पे, इलाही संबद्ध जो कि हम लोग देखे हैं अकबर के राज्यकाज में स्टार्ट हुआ था, तो स्थान पे हिजरी ए संबद्ध का प्रयोग आरंभ किया गया। इनके दरबार में प्रमुख जो चित्रकार थे उनका नाम था मोहम्मद फकीर एवं मीर हसीन थे। इनके दरबारी संगीतक लाल खां थे, जिसे शाहजहां ने गुड़ समंदर के नाम से उपाधि दी थी। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि उस समय में शाहजहां के राजकाज में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का भी विभाग खोला गया। तो इस तरह पुर्तगालियों ने युद्ध का खतरा, पुर्तगालियों से जो युद्ध का खतरा था शाहजहां के टाइम में, तो उसने आगरा के जो गिरजाघर थे उनको तुड़वा दिए। मुगल कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिसके कारण इनका जो शासन काल होता है मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस राजा के, कौन सा मुगल शासक था जिसके शासन काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां थे। अब हम लोग दारा शिकोह, जो कि औरंगजेब का या शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को समान सम्मान दिया, और दोनों धर्मों को उसको ज्ञान था। उसका झुकाव दर्शन और रहस्यवाद की तरफ था, और उसने वेद उपनिषद सबका अध्ययन किया। उसने भगवद गीता, रामायण, योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया। लेन पुल नामक इतिहासकार ने इसके सहिष्णु विचार के कारण इसे लघु अकबर की उपाधि दी है। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1655 में शाहजहां ने इसे युवराज घोषित कर दिया था। शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके छोटे भाई औरंगजेब ने 1657 में इसे हरा दिया, और 1659 में औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी, जबकि खजुआ लड़ा गया था। अब हम लोग इसे शाहजहां से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाए, क्या कौन, इनका नाम क्या था? शाहजहां। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सिकरी, लाहौर हुआ था। ऑप्शन विल बी। शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री
अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ था? 1612 में, ऑप्शन विल बी डी। अर्जुमंद बानो बेगम अन्य किस नाम से जाना जाती है? मुमताज महल, ऑप्शन विल बी सी। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी दिल्ली आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां। देखिए जो मुगलों का जो राजधानी था बाद में आगरा बन गया था, बाद में जैसे अकबर ने भी अंत में अपना जीवन काल आगरा में ही बिताया कि फिर बाद में जहांगीर आ गया, फिर जहां लेकिन शाहजहां जो था वो अकबर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ऑप्शन विल बी सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासन काल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अहमदनगर, ऑप्शन विल बी सी। शाहजहां ने पुर्तगालियों से लड़ाई की, कंधार को खोया, अहमदनगर पर अधिकार किया, ये सभी काम किए, तीनों काम उन्होंने किया। पुर्तगालियों से लड़ाई भी की थी, कंधार को खोया भी, और अहमदनगर पर अधिकार किया और उसको मुगल साम्राज्य मिला लिया, तो ऑप्शन विल बी डी। निम्नलिखित कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो दक्कन का गवर्नर कौन रहा? ऑप्शन विल बी डी, औरंगजेब रहा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णिम कहा? वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसको देखिए, ठीक है? वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, मनुकी। ऑप्शन विल बी डी, मनुकी भारत में आया था। तो ये रहा आज का क्लास, शाहजहां के हिस्ट्री को हमने काफी ब्रीफ में देखा और अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सजेशंस हो तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।